और सब कैसे हैं सब? हाँ, खैरियत से तो होंगे आप। जैसा कि आपको पता है कि कोरोना वायरस आया हुआ है तो लोग बहुत डर रहे हैं, सो प्लीज़ आप अपनी केयर करें और आप ना तकरीबन हैंड वॉश करें, 20 सेकंड तक अपने हैंड वॉश करें और किसी के साथ ना मिलें। और आप प्लीज़ किसी के साथ सलाम भी अगर लें तो आप ये वाले एक ये सलाम का निकला है और एक पाँव से कोई कर रहा है तो प्लीज़ आप ऐसा सलाम ना करें, क्योंकि आप हालांकि आप मुंह से कर सकते हैं क्योंकि ये सलाम जैसे हम ऐसे करते हैं और टांग से करते हैं यहूदी का सलाम है। सो प्लीज़ ये आप ऐसे ना करें और आप मुंह से कह दें और आप तकरीबन 6 फुट के फासले तक आप सलाम करें और इतना फासला रखें कि आप मतलब थोड़ी से तय तक आप बात करें और आप इतना किसी के साथ ना मिलें और आप बाहर ना जाएं और बच्चों के साथ और बड़ों के साथ भी इतना ना मिलें। और अगर आप घर में भी हैं ना तो आप थोड़ा सा सो प्लीज आप डिस्टेंस में रहें, अपनी फैमिली को भी कहें कि नहीं मतलब आप उनसे भी ना मिलें क्योंकि आपको पता है ये कोरोना वायरस आ चुका है जिसकी वजह से मैं प्रैंक नहीं कर सका था और मेरी जो थोड़ी सी मतलब प्रॉब्लम भी थी जिसकी वजह से मैं अपने प्रैंक नहीं चला सका था। तो सो इंशाल्लाह ये आप दुआ करें ये कोरोना चला जाए और इंशाल्लाह ये जब चला जाएगा तो मैं नेक्स्ट अपना प्रैंक करूँगा। सो प्लीज़ आप अपनी एहतियात कीजिए और बाहर ज़्यादा ना घूमें और आपको पता है कि कोरोना बहुत मतलब अल्लाह ताला हमसे नाराज़ हो चुका है। सो प्लीज़ आप अल्लाह ताला को मनाएं और देखें कि रात को 10 बजे अजान भी होती है तो अल्लाह हमसे इतना नाराज़ हो चुका है, हम ये क्या कर रहे हैं। सो प्लीज़ आप अपनी हिफाजत करें और किसी के साथ इतना ना मिलें, आप ये कुछ दिन के लिए घर ही रहें क्योंकि आपको पता है पुलिस पंजाब वाली बड़ा मार रही है। ये मेरे कल की बात है तकरीबन लड़कों को मुर्गा बनाया है और देख भी नहीं रहे इतना मार रहे हैं। सो प्लीज़ आप बाहर ना जाएं। अब ये इंशाल्लाह जब ये कोरोना ख़त्म हो जाएगा तो मैं आप इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर प्लान करूँगा इसके लिए।